मौसम कितना बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। हैरी उठ जाइए, ब्रेकफास्ट तैयार है। हैरी उठिए ना, सुबह हो गई है। इतने प्यार से उठाने के लिए शुक्रिया अमित सी। अरे शिनचैन तुम भी उठ जाओ ना बेटा। सुबह हो गई क्या मम? आप हर रोज इतनी सुबह क्यों उठ जाती हैं? सोने दो ना थोड़ी देर। अब तो नींद खुल गई ना, अब चलो ब्रेकफास्ट तैयार है। अरे ये क्या बेटा, तुमने बिस्तर गीला भी नहीं किया। आखिरकार तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। आप कब तक वापस आएंगे? मैं कुछ कह नहीं सकता कि मुझे आने में असल में कितनी देर हो जाए मित्सी। अच्छा ऐसे एक बात बताऊं तुम्हें, पिछले कुछ दिनों से तुमने अचानक बहुत ही बढ़िया खाना बनाना शुरू कर दिया है। हैरी क्या आप सच कह रहे हैं? एक बार खाने बैठूं तो मन करता है कि खाना बस खाता ही जाऊं। आप ही ना हैरी खामखा तारीफ करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लीजिए आपकी पॉकेट मनी। थैंक यू, इसे मैं अपने साथ लेकर जाता हूँ। जल्दी वापस आना हैरी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि शाम से पहले वापस आ जाऊँ। मम मम सुनो ना, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बेटा बोलो, तुम्हें क्या कहना है? एक नया खिलौना आया है, एक्शन कामिन का नया सेट है मम। नहीं 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 मम, आजकल आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो। हाँ शिनचैन क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? ये अंडा भी बहुत टेस्टी बनाया है, बस इसमें नमक थोड़ा ज्यादा है। अब ज्यादा बातें बनाना बंद करो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारी बस किसी भी वक्त आ सकती है, अब जाओ भी। ओके। शिनचैन, शिनचैन, अरे आप लोग आ गए। शिनचैन तुम्हारी बस आ गई बेटा, जल्दी करो। ये अभी थोड़ी देर और लगेगी मम। क्या हुआ शिनचैन, तैयार नहीं है क्या? माफ कर दीजिए, आप लोग चलिए वो आ रहे हैं। शिनचैन ये कोई अच्छी बात है? तुम रोज लेट हो जाते हो, मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ता है। मम टॉयलेट का दरवाजा लॉक हो गया था, खुल ही नहीं रहा था। ये तो तुम्हारा रोज का बहाना है शिनचैन। एक तुम्हें लॉक हो गया और आप मुझे डांट रही हो। तुम्हें वक्त पर तैयार हो जाना चाहिए, हर रोज स्कूल में लेट होना क्या अच्छी बात है? कल से लेट हुए तो पैदल ही स्कूल जाना, समझ गए तुम? गुड मॉर्निंग बच्चों, तो आप लोग ड्राइंग करने के लिए तैयार हैं? आप लोगों को पता है ना क्या करना है? हाँ। इसे करने में मजा तो आता है पर बहुत ज्यादा थकान होती है। मुझे ड्राइंग पसंद नहीं। अरे कजामा तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो। अरे कजामा तुमने ये क्या बनाया? ये मैंने घोड़ा बनाया है जो जंगल में खड़ा है और हरी हरी घास खा रहा है। ओहो क्यों शिनचैन, ये बहुत अलग लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है जैसे ये चल रहा हो। मेरी ड्राइंग तो सच में हिलती डुलती है। अगर ये हिलती डुलती भी है तो इसमें कोई खास बात नहीं है, तो कोई भी बना सकता है। अब हम इसमें भी कुछ खास नहीं है, ये तारीफ नहीं है। वेलकम बैक मॉम। तुम आ गए शिनचैन। मुझे भूख लगी है। क्या आप मार्केट जा रही हैं? हाँ मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। मुझे भी जाना है, मुझे भी ले चलो। ठीक है मैं समझ गई, पर तुम्हें सामान उठाने में मेरी मदद करनी होगी, ठीक है? जरूर मॉम, मेरे रहते आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तो ठीक है तुम मेरे साथ चल सकते हो। मैं जानता था। मम हम मार्केट कब पहुँचेंगे? अरे जल्दी ही पहुँच जाएंगे बेटा, अगर तुम वहाँ पहुँचने से पहले ही थक जाओगे तो मेरी मदद कैसे करोगे? मम पीठ पर बैठा लो ना। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती शिनचैन, तुम देख नहीं रहे मेरे हाथ में क्या है, तुम्हें कैसे बैठाऊं? उसे मैं उठा लेता हूँ और आप मुझे अपने पीठ पर बैठा लीजिए, कैसा आइडिया है मम? अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, आ जाओ बेटा। लेकिन आप गिर तो नहीं जाएंगे ना मम? चुपचाप चलते रहो। अच्छा आइडिया इतना बुरा भी नहीं था। चुप रहो। पुराने जमाने में अब भी मजा आता है पातू। अरे भैया ये सब्जी तो बहुत
कितनी ताजी लग रही है ये भिंडी, कितने की दी है और ये आलू कैसे है? सही लगा लो ना, बहुत महंगे लगा रहे हो। खरीदिए खरीदिए, आइए पकौड़े पकौड़े, सभी के लिए पकौड़े, फ्री में चखिए पकौड़े, आपका स्वागत है। जो चीज फ्री मिलती है वो काफी टेस्टी होती है। घर यहाँ से कितना दूर है, हमें बहुत सारा खा लेना चाहिए। मुझे वो हरे वाला चाहिए, प्लीज मुझे दे दो। शिनचैन तुम पैसों का ध्यान रखना, मैं बस अभी थोड़ी देर में आती हूँ। ओके। इसे सिर्फ देखना नहीं है, इसका ध्यान रखना है ताकि कोई और न ले जाए। ठीक है मैम। माफ करना बेटा, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। ठीक है बेटा, अब हम चल सकते हैं, चलो। अरे ये लड़का तो कुछ समझता ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? अरे शिनचैन अब छोड़ दो इसे, मैं कह रही हूँ ना छोड़ो इसे। तुम इधर आओ शिनचैन, क्या तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आती? आजकल कितनी महंगाई हो गई है, इसलिए मैं ज्यादा सामान भी नहीं खरीद पाई। मैम मैम देखो उधर, उधर देखो, लगता है कोई इसे छोड़ गया है। वो अपनी पूंछ ही ला रहा है, शायद ये तुमसे दोस्ती करना चाहता है। मैम क्या हम इसे घर ले जा सकते हैं? नहीं बेटा, इसका ध्यान कौन रखेगा, वॉक पर कौन ले जाएगा, मेरे पास वैसे ही बहुत काम है। मैं इसका ध्यान रख लूंगा मैम, मैं इसे वॉक पर भी ले जाया करूंगा। अगर तुम कहते हो तो ठीक है, चलो इसे ले चलते हैं। वैसे भी घर में एक डॉगी हो तो अच्छा लगता है, क्यों शिनचैन? मैम आप तो बहुत बहादुर हो। बहादुर नहीं, समझदार। मेरा वही मतलब था, इधर आओ इधर आओ, जल्दी से इधर आ जाओ। ये तो बहुत बड़ा है मम, ये तो मुफ्त में बहुत बड़ी चीज मिल गई। चलो मम को नमस्ते बोलो और उनका शुक्रिया अदा करो। जाओ जाकर आग जलाने के लिए लकड़ियां लेकर आओ, जाओ। और हाँ, इसे वापस छोड़कर आना। मुझे माफ कर दो, तुमने सुना ना मम ने क्या कहा, तुम हमारे साथ नहीं रह सकते, पर मैं तुम्हें इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहता। पर मुझे तुम्हें यहाँ छोड़ना ही होगा, तो क्यों ना तुम मेरी लकड़ियाँ उठाने में थोड़ी सी मदद कर दो। अब इसे कहाँ रख दू? अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारी जगह है। ये लो, ओई, अरे तुम तो बहुत काम की चीज हो, शायद मॉम तुम्हें घर पर रख ले। अरे शिनचैन अभी तक वापस क्यों नहीं आया, बहुत देर हो गई। मित्से, अरे हैरी इतनी जल्दी आ गए, वो तो कहकर गए थे देर से आएंगे। मित्से, हैरी आप जल्दी आ गए, लेकिन खाना अभी तैयार नहीं है। कोई बात नहीं मित्सी, तब तक मैं आराम से नहा लेता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें कुछ और बताना चाहता था मिस्सी। दरअसल बात यह है कि एक बहुत बड़ा जानवर इस तरफ आ रहा है और लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। अब क्या होगा हैरी? चलो जल्दी करो, सारी जरूरी चीजें ले लो और यहाँ से चलते हैं। तुम कितने सॉफ्ट हो, तुम्हारे ऊपर सवारी करने में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन मॉम तुम्हें रखने के लिए तैयार नहीं होंगी। तुम बहुत काम के हो, लेकिन तुम इतने बड़े हो, तुम्हारा ख्याल रखना आसान काम नहीं है, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। लकड़ियाँ रास्ते में गिराते नहीं दी ना? अरे वो देखो, वो सीधे श्रीमान नुहारा के घर की तरफ आ रहा है। मिट्सी, कोई जरूरी चीज घर में तुम भूल तो नहीं गई हो ना? अरे मैंने सेल में जो ड्रेसेस खरीदी थी वो तो मैं लाना ही भूल गई। अब पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत। वो देखो उधर कौन है? ये तो शिनचैन है। ये क्या हो रहा है? मुझे आपकी बात सुनाई नहीं दे रही। मॉम जोर से बोलो ना, ये आवाज कैसी हो रही है?
बिजली कड़क रही है क्या? हमें कुछ करना होगा, अगर वो वहीं खड़ा रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। हरी, उसे बचाना होगा। शिनचान भागो भागो भागो। ये कितना प्यारा दिखता है। मैम ये कितना प्यारा है, क्या हम डॉगी की जगह इसे घर ले जा सकते हैं? लगता है मैम मान गई है, ये है ही इतना प्यारा। मुझे नहीं लगता वो हटेगा वहाँ से। सुनो डॉगी, अगर तुम शिनचान की मदद करोगे तो मैं तुम्हें घर ले चलूंगी। मैंने तो इसकी उम्मीद भी नहीं की थी। इस तरह से लकड़ियों को बिखेरना अच्छी बात नहीं होती है। मैंने कितनी मेहनत से सारी लकड़ियाँ जमा की थी। शिनचान बेटा, ये लो डॉगी, तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो। शिनचान की मदद करने के लिए ये तुम्हारा इनाम है। शिनचान ये तुम्हारे लिए।